आज 15 मार्च 2024 टाइम हो चुका है 12:02। डाउन साइड से ZVKS स्पेशल ट्रेन सनामा स्टेशन से थ्रू हो गई है और इसके साथ ड्यूअल लोकोमोटिव्स लगे हुए हैं जिनमें लीडिंग में है GU4904942 और डेड लोकोमोटिव है ZCU3017। तो ZCU3017 जो है ये अप साइड से आया था ऑयल ट्रेन के साथ, तो अभी ऑयल ट्रेन जो है वो पेशावर साइड पर है और ख़ाली नहीं हुई। तो ये इंजन जो है ऐसे ही कुंदिया में जो है ना ठहरा था ऑयल ट्रेन के वेट में, जबकि उसको 3-4 दिन अभी दे रहे, तो इसी वजह से फिर इस ये लिंक वाली पावरें हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पावर उधर कुंदिया ऐसे ठहरी रहती, तो इसी वजह से फिर आप ZVKS ट्रेन के साथ वापसी भेज रहे हैं कराची की तरफ, और जो ऑयल ट्रेन है उसके साथ फिर 80 वाली की पावर आएगी। तो देखते हैं फिर 9042+6317 के साथ डाउन ZVKS+ZVKC ट्रेन इधर सनामा से पास होते हुए। तेसर 17 जो है ये वैसे कराची की पावर है, यानी गुड के साथ भी फिट है और एक्स मेल ट्रेनें भी लीड करती है। तो GU40 की तो वैसे डिमांड ज़्यादा है, उसके अलावा ये ZCU30 वाले लोकोमोटिव की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक्सप्रेस को भी लीड करते हैं और 2250 टन की गुड्स ट्रेन को भी लीड कर लेते हैं, तो इसी वजह से फिर ये जो लोकोमोटिव हो तो इनको बस जो है ना शॉर्ट ट्रिप देकर जल्दी जल्दी यानी कि उनके मुतलका शेड में भेजा जाता है ताकि इनको और न्यू अरेंजमेंट मिल सके। वैसे खसूसा GU40 के लोकोमोटिव आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि कोयला ट्रेनें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, हमारे सेक्शन पर ही बहुत ज़्यादा चल रही हैं, 2-2, 3-3, 4-4 GU40 लोकोमोटिव हमारे सेक्शन पर घूम रहे हैं एक ही दिन में। अब ये 9042 आ रहे हैं 9043 के के साथ ZVKS अभी पिपला में है और 9014 के साथ दाऊदखेल कोल ट्रेन कलूर कोट में है और चौथी जो है वो समासट्टा और महमूद कोट के दरमियान है 9047 के साथ। 4 GU40 तो इधर ही बिजी हैं। ये क्या ZCU3017 कहाँ गया? ZCU3017 इसके साथ नहीं लगा हुआ है, हो सकता है कि रास्ते में डिटैच हुआ हो, कोई प्रेशर वगैरह का इशू हुआ होगा, तो ये दूसरी ZVKS के साथ आएगा। आज डेट है 15 मार्च 2024, टाइम हो चुका है शाम के 5:02। 127 अप नियर एक्सप्रेस रनिंग राइट टाइम है आज और महमूद कोट से चली हुई है और आज इसके साथ रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव आ रहा है काफ़ी अरसे के बाद, यानी काफ़ी दिन जो है ना वो वर्किंग से हट गया था इंजन,
यानी लास्ट टाइम जब वो वन टू नाइन आपके साथ फेल दरिया खान और बखर के दरमियान, तो उस वक्त के बाद उसको जो है ना ट्रैक्शन मोटर उसकी चार करके फिर उसको वर्किंग गुड्स ट्रेन के साथ लगा दिया गया था। तो आज अगेन फिर जो है ना 8050 127 आपके साथ आ रहा है और काफ़ी अर्से के बाद इसको जो है ना एक्सप्रेस ट्रेन का लिंक मिला है। और उस वक्त कुछ दिन पहले इसकी जो है ना ट्रैक्शन मोटर्स चार थी, यानी कि फेल होने के बाद जब 129 आपके साथ ये लास्ट टाइम गया था उस वक्त तो इसकी छः थी, लेकिन जब इसको गुड्स के साथ फिट किया तो इसकी ट्रैक्शन मोटर्स जो हैं वो कम कर दी गई थी, यानी छः से चार कर दी गई थी और परमानेंट वर्किंग करता रहे ये गुड्स की नौशहरा और अटक साइड पर। तो अब अगेन लिंक पर आया है, तो अब पता नहीं इसकी ट्रैक्शन मोटर्स कितनी है, यानी जहाँ तक मेरा ख्याल है तो अब इसकी मोटरें जो है पूरी होंगी क्योंकि गाड़ी भी सही राइट टाइम पे आ रही है। तो इससे क्लियर ज़ाहिर होता है कि अगर पावर ख़राब हो या स्लो स्पीड पिक करती हो या ज़्यादा स्पीड पिक ना करती हो तो गाड़ी यानी कि 10 मिनट 20 मिनट लाजमी लेट हो जाती है, लेकिन गाड़ी जो है राइट टाइम आ रही है इस नामा तक। तो देखते हैं फिर HBU 20 8050 के साथ 127 अपनी एक्सप्रेस सनामा लेवल फाटक से, फाटक नंबर 31 से, तो देखते हैं कि कितनी स्पीड से पास होती है। बाकी जो ट्रेनों की यानी कमर्शियल मैनेजमेंट के हवाले से बातें चल रही थी, यानी ट्रेनों को प्राइवेट किया जा रहा था, तो उसके हवाले से आज एक खबर आई है कि ये टेंडर जो है वो ख़त्म हो चुका है अब, यानी कि तीन दफ़ा उसकी डेट जो है चेंज की गई थी। ये बात तो सच है वाकई में, थाल एक्सप्रेस की पहले 31 जनवरी को थी, उसके बाद फिर फरवरी में हुई थी, फिर मार्च में कहा गया था, लेकिन आज 15 मार्च हो चुकी है और अभी तक इसका जो है ना कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आज एक न्यू खबर आई है कि ये टेंडर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, यानी अब जो रेलवे के न्यू वज़ीर हैं तो वही अब जो है ना न्यू टेंडर जो भी यानी कि करेंगे सेटिंग वही करेंगे, यानी इनमें लसानी एक्सप्रेस, मेहरान एक्सप्रेस और लसानी एक्सप्रेस, थाल एक्सप्रेस, अटक पैसेंजर ट्रेन, शालीमार एक्सप्रेस, इन ट्रेनों की जो है बोली लगनी थी, यानी ये कमर्शियल होनी थी जो भी यानी कंपनी इनको लेती प्राइवेट पर, लेकिन अब ये टेंडर जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। तो अब जो रेलवे के न्यू वज़ीर आए हैं अगर वो चाहेंगे तो गाड़ी को यानी कि प्राइवेट करवाएंगे, जो जो गाड़ियाँ यानी प्राइवेट होनी थी, अदरवाइज़ फिर जो है ना गाड़ियों के प्राइवेट होने के अभी फ़िलहाल कोई चांस नज़र नहीं आ रहे। तो अब थाल एक्सप्रेस जो है वैसे ही गवर्नमेंट के खाते में चलती रहेगी जैसे पहले चल रही है, और अब परमानेंटली 129 अपके साथ 130 के साथ कोचेज 10 कर दी गई हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब मैं जो है ना इधर ठहरता हूँ 127 अप के लिए, तो मेरे साथ रहें फिर 127 अप को देखने के लिए कितनी स्पीड से पास होती है 8050 के साथ। जी तो 127 अप गुरमानी स्टेशन से चल रही है, आपको लाइट नज़र आ रही होंगी। तो ये फाटक वाले भाई अब सिग्नल डाउन कर रहे हैं ट्रेन के लिए, स्टेशन वाला सिग्नल ऑलरेडी डाउन है। जी तो अभी ये सिग्नल जो है डाउन करने जा रहे हैं, इधर से इसकी तार का मसला है तो इसी वजह से उधर जाना पड़ता है फिर सिग्नल डाउन होता है जाके। 8050 आप पता नहीं चार मोटरों पर है या छः पर है, ये हो गया डाउन सिग्नल। वैसे 127 आपके साथ रेक की तरतीब इस तरह होती है, पहले पहले इंजन, उसके बाद पावर वैन, उसके बाद दो एसी स्टैंड के कोचेज और पीछे 7 इकानवी क्लास कोचेज। और तकरीबन मैं जो है ना 6 मंथ से यानी कि मैंने नोट की है ये बात कि 127 आपके कोचेज 10 से कभी भी कम नहीं हुई, यानी फुल रेक होता है हमेशा 127 आपका। बाकी थाल एक्सप्रेस तो कभी 10 भी हो जाती हैं, यानी सरकारी ट्रेनें जो भी हैं उनकी कोचेज जो है ना कम या ज़्यादा यानी हो सकती हैं, लेकिन प्राइवेट ट्रेन की कोचेज जो हैं वो पाकिस्तान रेलवे वाले पूरे करके रखते हैं, क्योंकि उनका जो है ना ये ठेका होता है कि गाड़ियों की कोचेज चाहे आपके पास हैं या नहीं लेकिन हमारी गाड़ी की कोचेज पूरी होनी चाहिए। वीडियो में लाइट्स वैसे नज़र आ रही हैं जैसे GU40 लोकोमोटिव हो, यानी एक लाइट ऊपर है और एक नीचे। पहले 127 और 129 को GU40 के लोकोमोटिव भी लगा करते थे, यानी 2021-22 में, तो अब तो इन पर मुकम्मल बैन है, यानी GU40 जो है ये ब्रांच लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेन लीड नहीं कर सकता।
चाहे एमरजेंसी भी हो, जी यू 40 नहीं लगाते एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हमारे सेक्शन पर, यानी मुल्तान से कुंदिया तक जी यू 40 किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन को नहीं लग सकता। क्योंकि ये 9-10 बोगियों का लोड होता है, 400 टन टोटल लोड होता है, जी यू 40 को अलाउड लोड 3300 टन है, तो ये 2900 टन जो है ऊपर से लोड ऐसे खाली। सेवन अप आज काफी स्पीड में लग रही है। चलो भाई पीछे कब तक छोटा खून पकड़वाने।